हम पहले भी निकाय चुनावों पर जब भी चर्चा के लिए आपने आमंत्रित किया था अनुराग जी, मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के जो सबके साथ सबके विकास को लेके जो संकल्प है, जो आम आदमी की के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो गरीबों और किसानों के कल्याण के कार्यक्रम हैं, और जो चाहे शहरी गरीब हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र का, उनको सबको आवास दिए जाने की बात हो, स्वच्छता मिशन के तहत कार्य हो, किसानों के लिए ऋण मोचन हो या गन्ना किसानों का भुगतान हो, ये बहुत सारी योजनाएं ऐसे ही हैं जिससे आम आदमी ने ये राहत महसूस की कि योगी जी की सरकार आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद, और भारतीय जनता पार्टी संगठन ने जिस तरह से लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में, ठीक है, थोड़ा सा अंतर बताइएगा, क्योंकि आप पहले भी निकाय चुनाव में रहे हैं और अब निकाय चुनाव जीतने वाले हैं, रुझानों के हिसाब से कितना बड़ा बदलाव हो जाएगा, अब तक कितना विकास किया और आने वाले समय में फिर क्या रोडमैप है? देखिए, पहले भी पिछली जब सपा की सरकार थी तब भी निकाय चुनाव में हमको अच्छी सीटें नगर निगमों में मिली थी जी, लेकिन उस समय हम काम पूरी तरह इसलिए नहीं कर पाए कि सरकार के जो चचा थे जी, वो सारा जो नगर निगम का जो फाइनेंशियल पावर था, जो योजनाओं की स्वीकृति थी, अपने में मुट्ठी में बंद करके रखे थे और वो चाहते थे पूरी तरह से नगर निगम को के पावर को अपने अपने हाथ में केंद्रित कर लेना। वो तो भला हो हाई कोर्ट का कि उसने ऐसा नहीं होने दिया, परंतु जो सरकार के चचा थे उन्होंने लोक कल्याणकारी योजनाओं को फलीभूत नहीं होने दिया, उनको साकार नहीं होने दिया जी। लेकिन अब माननीय योगी जी की सरकार है और हमारे संगठन के मुखिया से लेकर के सभी लोग एक नगरीय सुशासन और एक नगरों के सम्यक विकास और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक जो संकल्प पत्र दिया है नगरीय निकाय चुनाव के लिए, उसको साकार करने के प्रति हमारी सरकार, हमारा संगठन और नगरीय निकाय में जो हमारे महापौर चुने जाएंगे, जो नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे, उन पे प्राथमिकता के आधार पे काम करेंगे और हम पूरी तरह से नगरीय व्यवस्था में सुशासन लाने का के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे।